हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको भी बिना नंबर के जीमेल अकाउंट बनाना है तो इसके लिए आप ये वीडियो कंप्लीट देख लो। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप भी बिना नंबर के जीमेल अकाउंट बनाना सीख जाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिना नंबर के जीमेल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पास से अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने पहले से जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है। तो मैं यहां पर दिखाता हूं आपको नया जीमेल अकाउंट बनाकर। तो नया जीमेल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। इस पर भी क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारा जीमेल बनाया हुआ है। ये सारा जीमेल मैंने बिना नंबर के बनाया है। तो यहाँ पर नया जीमेल अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। लिखा है ना ऐड अदर अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास से आपको गूगल पर भी क्लिक कर देना है। गूगल पर भी क्लिक करने के बाद यहाँ पर से लोडिंग लगा। तो लोडिंग लेने के बाद आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट, तो आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है फॉर माय पर्सनल यूज और फॉर वर्क माय बिजनेस। तो सिंपली आपको फॉर माय पर्सनल यूज पर क्लिक करना है बिना नंबर के जीमेल अकाउंट बनाने के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखें लिखा हुआ क्रिएट अ गूगल अकाउंट फर्स्ट नेम और सर नेम। तो यहां पास से फर्स्ट नेम में आपको अपना नाम डाल देना है और सर नेम में आपको सर नेम अपना डाल देना है। तो सिंपली यहां पास से अपना फर्स्ट नेम में अपना नाम डाल देता हूं। फर्स्ट नेम और सर नेम डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखें लिखा हुआ बेसिक इन्फो, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। तो यहां पास से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। मैं सिंपली यहां पास से कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जेंडर पर क्लिक करना है। जेंडर पर क्लिक करने के बाद आप मेल हैं या फीमेल, आप जो भी हैं आप उस पर क्लिक कर देना। तो मैं सिंपली मेल पर क्लिक कर देता हूँ। मेल पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है चूज हाउ यू साइन इन, और इसके नीचे लिखा हुआ यू यूज दिस ईमेल टू साइन इन टू योर गूगल अकाउंट। सिंपली यहाँ पास से आपको जीमेल एड्रेस बना लेना। तो मैं सिंपली यहाँ पास अपना जीमेल एड्रेस बना लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। अपना नाम डालने के बाद जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो मेरी आईडी नहीं बनेगी। मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट पर क्लिक करके, और जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो मेरी आईडी यहाँ पर नहीं बनेगी। मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट पर क्लिक करके। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी आईडी नहीं बन रही है। इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि इस नाम से पहले कोई बना चुका है प्ले स्टोर पर आईडी, जीमेल पर अकाउंट, इसलिए मेरा अकाउंट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर तो मुझको कोई चेंज करना होगा। तो इस तरह से आपको भी चेंज करना होगा जब तक आपकी आईडी नहीं ले लेता है। तो मैं सिंपली यहाँ पास चेंज कर देता हूँ ताकि मेरा यहाँ पास आईडी ले ले, मेरा नाम ले ले। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। चेंज करने के बाद, चेंज करने के बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर भी नहीं ले रहा है। तो मुझको फिर भी थोड़ा सा और चेंज करना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। इस तरह से आप कोई बार बार चेंज करना होगा जब तक आपका नहीं ले रहा। तो मैं सिंपली यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ताकि मेरा यह नाम ले ले। चेंज करने के बाद मैं फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। चेंज करने के बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास से मेरा नाम ले चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो सिंपली आपको यहाँ पास से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। मैं सिंपली यहाँ पास से बना लेता हूँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद मैं सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है रिव्यू योर अकाउंट इन्फो। यहाँ पास से आपका नाम लिख कर आ जाएगा जिस नाम से आप आईडी बनाए हो गए। मैं सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है प्राइवेसी एंड टर्म्स। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास थोड़ा सा लोडिंग लेगा, जैसे यहाँ पर मेरा लोडिंग ले रहा है अभी। तो लोडिंग लेने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा ऑटोमेटिकली बैक आ चुका। तो इस तरह से आपका बैक आ जाएगा। तो सिंपली मैं यहां पर से काट देता हूं इसको। इसको काटने के बाद मैं फिर से अपना प्ले स्टोर को ओपन करता हूं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद मैं दिखाता हूं आपको कि मेरा जीमेल अकाउंट बना या नहीं बना। मैं दिखाता हूं आपको सिंपली प्ले स्टोर ओपन करके। प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, मिनट स्लो चल रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा यहां पर नाम से बन चुका है। तो इस तरह से आप बिना नंबर के जीमेल अकाउंट बना सकते हो। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।